ऑस्ट्रेलिया के दो लीजेंड स्पिनरों के बीच वर्बल वॉर शुरू हो गया है। ऐसा हुआ जब शेन वॉर्न ने कहा कि अगले टेस्ट मैच में नाथन लियोन को आराम करना चाहिए और स्वेप्सन को एक मौका देना चाहिए। स्वेप्सन टेस्ट क्रिकेट को बिलोंग करता है और अगर उसको नाथन लियोन मौका देंगे तो वो अपनी जगह निश्चित ही बनाएगा। जिसके बाद ये बात नाथन लियोन को बुरी लग गई। जाहिर सी बात है, अगर किसी को जगह देनी है तो नाथन लियोन की जगह पर क्यों? नाथन लियोन जो टेस्ट स्पेशलिस्ट बॉलर है और एक तो वैसे ही टेस्ट क्रिकेट इतना कम होता है, और ऐसे में नाथन लियोन से कोई कहते कि आपको एक टेस्ट बाहर बिठा रहे हैं, जाहिर सी बात है इस 32 वर्षीय लीजेंड ऑफ स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के को बुरा लगेगा ही। उन्होंने उल्टा अपने सीनियर बॉलर, अपने देश के लीजेंड लेग स्पिनर शेन वॉर्न पर ही निशाना साध दिया। शेन वॉर्न से उन्होंने पूछ डाला कि मुझे याद नहीं कभी कोई ऐसा मैच भी हुआ था कि शेन वॉर्न ने खुद को आराम दिया हो स्टुअर्ट मैकगिल के लिए। स्टुअर्ट मैकगिल वो खिलाड़ी जो हमेशा शेन वॉर्न की छाया में रहे, कमाल के लेग स्पिनर थे, लेकिन मौका सिर्फ तभी मिला जब शेन वॉर्न पर बैन लगा या शेन वॉर्न इंजर्ड हुए। कभी भी वो शेन वॉर्न के होते हुए ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट चॉइस स्पिनर नहीं बन पाए, चाहे टेस्ट हो चाहे वनडे। और बिल्कुल यही बात नाथन लियोन ने कही कि शेन वॉर्न ने खुद बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया। जाहिर सी बात है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते, आप अपने देश के लिए हर एक मैच अपना 100% देना चाहते हैं। और यही कारण है कि नाथन लियोन इस बात से आहत हो गए कि उनकी जगह छीनने की बात हो रही है, और वो भी उस इंसान के द्वारा जिसने कभी अपनी जगह किसी को नहीं दी। स्टुअर्ट मैकगिल को काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बॉलर माना जाता था और ऐसा कहा जाता था उनके बारे में कि इनकी गुगली शेन वॉर्न से ज़्यादा प्रभावशाली है, लेकिन इसके बावजूद उनको कभी मौका नहीं मिला क्योंकि सामने थे शेन वॉर्न। सामने था जिनको कहा जाता था जादूगर, सामने वो शख्स था जिसको कहा जाता था इसने गाली है माइक गेटिंग को बॉल ऑफ द सेंचुरी। तो ऐसे में भला कैसे स्टुअर्ट मैकगिल को मौका मिल जाता, और कभी शेन वॉर्न ने खुद को आराम देने की ज़रूरत ही नहीं समझी स्टुअर्ट मैकगिल के लिए। तो ऐसे में वो कैसे कह सकते हैं नाथन लियोन से कि भैया आप आराम कीजिए और स्टुअर्ट और स्वेप्सन को मौका दीजिए। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फैंस ने भी नाथन लियोन की साइड ली और कहा है कि बिल्कुल सही बात है, शेन वॉर्न ने कभी अपनी जगह के लिए मैकगिल का समर्थन नहीं किया और कभी नहीं कहा कि मुझे आराम दे दो और एक तो मैच मैकगिल को खिला लो। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।